मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। और आज बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेके आया हूँ इसराइल को लेके। जी हाँ, जो भी मेरे भाई इसराइल जाना चाहते हैं तो फटाफट से पहुँचे डायनामिक ऑफिस, क्योंकि आज की जो डिमांड है कुछ हटके है और जिसका मेरे सभी भाई बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। तो आज की जो डिमांड के ऊपर बात करने वाला हूँ वो जो डिमांड है मैकेनिकल डिमांड है। जी हाँ, मैकेनिकल डिमांड का मेरे कई भाई बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे पास अभी अभी मैसेज आया डिमांड के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से एक अपडेट दे दी जाए अपने भाइयों को, ताकि जो भी इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार अब हुआ ख़त्म। जी हाँ, तो बात करेंगे आज उसी के बारे में, जो भी डिमांड आई हो मैकेनिकल डिमांड जो भी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं मैकेनिकल डिमांड में जाने के लिए, तो फटाफट से डायनामिक ऑफिस पहुँचे और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं जिन्होंने जो क्लाइंट ने काफ़ी सी चीज़ें मांगी हुई हैं मतलब। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो जो इलेक्ट्रिशियन की, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिशियन की डिमांड कब तक आएगी इसराइल की। जो भी इलेक्ट्रिशियन की डिमांड का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई है। हाँ जी हाँ, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो जो इलेक्ट्रिशियन की डिमांड है वो है बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन। जी हाँ, इसमें अब बात करेंगे कि इन्होंने जो चीज़ें मांगी हुई हैं उसके बारे में, एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो मांगी हुई है बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन चाहिए, और आपका इसमें जो चाहिए ITI। जी हाँ, प्रॉपर इंस्टीट्यूट से ITI किया हुआ होना चाहिए आपको, और 10th पास किए होने चाहिए, मतलब 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, और बात की जाए इंग्लिश की तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश आपको लिखना और बोलना आनी चाहिए, मतलब नॉर्मल बेसिक इंग्लिश जो आप पढ़ सको और लिख भी सको। तो मतलब ये चीज़ें इन्होंने मांगी हुई हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जी हाँ, 5 साल का आपका गल्फ का एक्सपीरियंस मांगा है और 5 ही साल का इंडियन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मतलब टोटल एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है इन्होंने इलेक्ट्रिशियन में, मतलब बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन में जो इन्होंने मांगा हुआ है एक्सपीरियंस, वो आपका 5 गल्फ और 5 आपका इंडिया, मतलब 10 साल का टोटल इनको एक्सपीरियंस चाहिए। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हुई हैं। तो जो भी मेरे भाई इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें जिन भी मेरे भाइयों के कंप्लीट हैं, ITI किया हुआ हो भाई, ठीक है, 10th की हुई हो और आपको इंग्लिश लिखना बोलना आनी चाहिए, तो वो मेरे भाई इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भाई इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ार कर रहे थे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, तो वो फटाफट से डायनामिक ऑफिस दिल्ली पहुंच जाएं और अपना इंटरव्यू दें। इसके इंटरव्यू की डेट की बात भी करेंगे, उससे पहले वॉट ट्रेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, उसके जो इसकी डेट है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, थोड़ा पहले ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब जो अगली ट्रेड है इसमें वेल्डर। जी हाँ, वेल्डर का भी मेरे भाई दोस्त बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, भाई वेल्डर की डिमांड भी बताओ, वेल्डर की डिमांड के बारे में भी बताओ। तो इनको वेल्डर की डिमांड भी आ गई। जी हाँ, इसराइल की वेल्डर की डिमांड भी आ चुकी है। तो जो भी भाई जाना चाहते हैं वेल्डर में, तो वो मेरे भाई पहुँच जाओ ऑफिस। लेकिन उससे पहले बता दूँ, इसमें वेल्डर जो मांगा हुआ है इन्होंने 3G, 4G और आपका 6G। जी हाँ, इसमें 3G, 4G और 6G वेल्डर मांगा हुआ है। अब बात की जाए इसमें एक्सपीरियंस की, तो भाई इसमें आपको एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ का। जी हाँ, गल्फ का आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अगली जो है आपका पेंटर। जी हाँ, पेंटर की डिमांड है, पेंटर एंड रिपेयर प्लास्टर। जी हाँ, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इनको किस टाइप का पेंटर चाहिए, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। मतलब जिसको ऑल, मतलब सभी तरीके की पेंटिंग का काम आना चाहिए और हर तरीके की रिपेयरिंग करना जानता हो, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आधी चीज़ें जानता हो आधी चीज़ें ना जानता हो, मतलब उसको पूरा पेंटिंग के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए और पूरा रिपेयरिंग के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो भी भाई काम जानते हैं अच्छे से और जाना चाहते हैं, तो पहुंच जाओ ऑफिस। और इसमें भी एक्सपीरियंस की बात की जाए, तो इसमें भी एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा हुआ मिनिमम 3 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो आपको 3 साल का साथ ही गल्फ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो मेरे भाई स्काफ फोल्डिंग का इंतजार कर रहे थे, स्काफ फोल्डिंग के काम में जाना चाहते थे, लो भाई उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि स्काफ फोल्डिंग वर्कर की भी डिमांड आ चुकी है। जी हाँ, तो स्काफ फोल्डिंग में जो भी मेरे भाई जाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं,
लेकिन वही चीज़ कि 3 साल का उनको गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और काम के नॉलेज की बात की जाए तो इसमें आपका स्काफोल्डिंग का हर तरीके का काम आना चाहिए, मतलब स्काफोल्डिंग का पूरे तरीके से काम कर लेता हो तो वो मेरे भाई आ सकते हैं। अगला जो है स्टील स्ट्रक्चर का है। जी हाँ, स्टील स्ट्रक्चर की भी डिमांड आ चुकी है, इसके लिए भी कई बार मैसेज आ रहे थे कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो लो भाई आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया, स्टील स्ट्रक्चर का भी डिमांड आ चुकी है। तो जो भी भाई स्टील स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं वो भी फटाफट डायनामिक ऑफिस दिल्ली पहुँच जाएँ। और इसकी बात की जाए तो इसमें एक्सपीरियंस की, तो इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब बात की जाए इसमें क्या काम आना चाहिए, इसमें भी आपको परफेक्ट होना चाहिए, आपका पैनल असेंबलिंग का काम आना चाहिए इस तरीके के, ठीक है, और कैंडिडेट को इंग्लिश की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो और साथ में इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा हुआ है। जी हाँ, जो भी मेरे भाई के पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं वो आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और अब जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली ट्रेड थी उसके बारे में बात करेंगे हम। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली ट्रेड थी वो है पाइप फिटर, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा, कल भी मेरे पास कई कॉल आए हैं, कई मैसेज आए हैं कि पाइप फिटर के लिए भी कोई डिमांड बता दो भाई इसराइल की। तो लो भाई पाइप फैब्रिकेटर है, सॉरी फिटर नहीं है, पाइप फैब्रिकेटर है। जी हाँ, तो पाइप फैब्रिकेटर की भी डिमांड आ चुकी है। तो जिसको फैब्रिकेटर के काम की अच्छी नॉलेज है तो वो आ सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको बता चुका हूँ, एक्सपीरियंस वही 3 साल इनको चाहिए गल्फ एक्सपीरियंस। तो जो भी फैब्रिकेटर के काम में जाना चाहते हैं पाइप फैब्रिकेटर में, तो फटाफट से डायनामिक ऑफिस दिल्ली पहुँचें और अपना इंटरव्यू दें। अब बात की जाए इसमें एक और है फोरमैन की, तो जो फोरमैन में जाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। जी हाँ, मैकेनिकल फोरमैन जो है वो भी मेरे भाई आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब इसके एक्सपीरियंस की बात की जाए फोरमैन की कि उसको क्या चीज़ चाहिए, तो उसमें फोरमैन का प्लान रेट के लिए मैनेज करना आना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल तो इसके बारे में मेरे पास नहीं है, तो इसकी डिटेल्स के लिए आपको ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। तो आप, मैं नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप ऑफिस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, उस पर बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बात की जाए इंटरव्यू की, तो जो इसका इंटरव्यू जो होगा वो 7, 8 और 9 मई को, जी हाँ 7, 8 और 9 मई को इसका इंटरव्यू होगा। तो फटाफट से आप आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए, आप बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इन सब ट्रेडों का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और अभी आप ऑफिस पहुँच के इंटरव्यू दे सकते हैं। अब इसमें बात की जाए कि डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में इसराइल की जो डिमांड के बारे में बात की उसमें मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका पासपोर्ट की जो वैलिडिटी वही 2 साल, मिनिमम 2 साल आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। आपका जो गल्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेके आने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। पीसीसी की भी आप अप्लाई कर दो, और पीसीसी के लिए एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, पहले चाहिए या बाद में चाहिए इसके लिए आप ऑफिस में कांटेक्ट कर लें। तो इसके आपको इंटरव्यू डेट मैंने आपको बता ही दी है। अब करते हैं इसके एज की, तो इसमें जो इन्होंने एज मांगी हुई है वो आपका 25 से 45 साल एज मांगी हुई है, मतलब सेम वही पहले जैसा 25 से 45 साल एज मांगी हुई है। तो ये थी सारी डिमांड्स, तो जो भी मेरे भाई जाना चाहते हैं फटाफट से पहुंच जाओ और अपना इंटरव्यू दो, सिलेक्शन करवाओ और फटाफट इजराइल पहुंच जाओ, क्योंकि इन सब ट्रेडों का मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, फिर देंगे एक नई अपडेट नई डिमांड के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।